बिजली चोर करंट थीफ। एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था, उसका नाम कुमार था। सब लोग उसे कंजूस कुमार कहकर बुलाते थे। हर रोज वो उनका पत्नी को चावल और दाल तुल कर देता था, सब्जियां भी वैसे ही चुन चुन कर देता था। उनकी पत्नी, छीछी कौन सा किस्म के आदमी हो तुम, राशन को कोटा में देते हैं वैसे हर रोज घर में ये बंटवारा क्या है, एक बैगन दिया है तुमने, इससे क्या पकाना है, पूछी। तब कुमार, सांभर बना दो, अच्छा रहेगा, पानी ज्यादा डालकर बनाओ, कल के लिए भी हो जाएगा। तुम्हें क्या पता है पैसों का मूल्य क्या है, कमाने वालों को पता चलता है उसके पीछे कितना मेहनत होता है, कहकर डांटता था। रात में बच्चे पढ़ते समय फैंस और लाइट्स को ऑफ करके, अरे ओ बच्चे, तुम्हारे वजह से करंट बिल कितना ज्यादा आ रहा है पता है, गधे कहीं के, बड़े बड़े आदमी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़कर महान बन गए थे, आप जैसा घर में बैठकर नहीं, जाइए जाकर सड़क के लाइट्स के नीचे पढ़िए, कहकर गुस्सा करता था। एक दिन गांव का पंचायत के जगह पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था तो कुमार सुन रहा था। बिजली चुराने के लिए एक आदमी को अरेस्ट किए, घर के नजदीक वाले बिजली के खंभे पर तार लगाकर चोरी करता है ये आदमी, 4 महीनों से बिल नहीं भर रहा था, कहकर पढ़ने लगा। वो सुनकर कुमार सोच में पड़ गया था। तुरंत ही वो घर के बालकनी में जाकर देखा तो उसको एक बिजली का खंभा दिखाई दिया। वो देखकर कुमार, अरे वाह, घर के बगल में ही बिजली का खंभा है तो इतना दिन मैंने इसे क्यों नहीं देखा, इनको तार लगाकर मुझे भी बिजली चुराना है, किसी को भी शक आए बिना ये काम करना है, सोचा। एक दिन वो म्युनिसिपैलिटी डंपयार्ड के बगल में से जा रहा था तो म्युनिसिपैलिटी वाले वैन से कुछ खराब हो गए सोलर पैनल्स को फेंकते हुए उसने देखा। तब उसको एक विचार आया। तुरंत ही उन सोलर पैनल्स को सर पर उठाकर घर लेकर गया। घर के ऊपर उनको लगाया। बाद में गांव में जाकर, सुनिए गांव वाले, हर बार इतना बिजली का बिल नहीं भर पाकर हम कितना मुश्किल झेल रहे हैं ये तो आप सबको पता है ना, इसलिए मैंने अपने घर के ऊपर सोलर पावर लगाया है, आज से मुझे इस सरकारी बिजली का जरूरी नहीं है, आप भी आपके घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाइए और पैसे बचाइए, कहा। तब एक आदमी, क्यों भाई, उसके लिए बहुत खर्चा होता है कहकर पता है ना तुमको, तुम्हारे पास पैसे है लेकिन हमारे पास तो नहीं है, कुछ काम का बात है तो बताओ, सुबह सुबह तुम्हारा बकवास क्यों सुनाते हो हमको, चलो भाई जाते हैं, कहकर सब लोग उधर से चले गए। तब कुमार मन में, अब मेरा घर में सोलर है कहकर सबको पता चल गया है, अब असली काम शुरू करना है, सोचा। बाद में बालकनी से बाहर आकर बिजली के खंभे के ऊपर से तार लगाया। अंदर आकर उनके पत्नी और बच्चों से, आज से तुम लोग रातों में कितना भी करंट चाहिए इस्तेमाल करो, लेकिन सुबह के समय करंट नहीं रहेगा, रात के समय इस्तेमाल करो, एसी, फ्रिज, टीवी, गीजर, सब कुछ कितना चाहिए उतना इस्तेमाल करो, कहा। तब बच्चे खुशी से ये ये कहकर चिल्लाए। उनकी पत्नी, अरे वाह, ये सपना है, ये सच है, आपको कोई पागल कुत्ता ने काटा तो नहीं है ना, ये सब चीजें इस्तेमाल कर बहुत महीना हो गया है, पहले ये देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं, बोली। उस दिन से वे लोग रातों में उन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने लगे। रात होते ही कुमार तार लगाता था और सुबह होते ही उनको निकाल देता था। एक दिन करंट वाला आकर मीटर को चेक किया और, ये क्या है कुमार जी, 1 पॉइंट भी करंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, घर में देखा तो बहुत करंट इस्तेमाल हो रहा है। कुमार, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं सोलर में उतर गया हूँ, अब मुझे ये सरकारी बिजली की जरूरत नहीं है, ये मीटर तुम लेके जाओ, कहा। तब करंट वाले को शक हुआ। उस रात को चोरी चुपके से कुमार तार लगाते हुए उसने देखा। अगले दिन तार को निकालने के लिए बालकनी में कुमार आकर नीचे देखा तो उधर पुलिस वाले और करंट वाले को देखकर वो घबरा गया। तब करंट वाला, अरे ओ कंजूस कुमार, कहीं का सरकार का बिजली को ऐसे चोरी करते हो, अरे ओ सोलर पावर के लिए अलग सा मीटर रहता है रे येड़ा, ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या, वो नहीं है कहकर मुझे शक हुआ है, अब तुम्हें जेल की सजा के साथ साथ बहुत फाइन भी भरना पड़ेगा, अब तुम नहीं बच सकोगे, कहा। तब कुमार घस खाकर नीचे गिर गया।